ये लास्ट हमने इको अकाउंट बनाया था और इसका बैलेंस आ रहा था क्रेडिट साइड पर, और क्रेडिट बैलेंस आने की रीजन क्या है? क्रेडिट बैलेंस आने की रीजन क्या ओवर पेमेंट हो रही है जिसकी वजह से रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट के बजाय क्रेडिट। अच्छा नेक्स्ट कस्टमर कौन है हमारा इको के बाद? फॉक्सट्रॉट। अब इससे हमने गुड सेल की है 960 की, ये रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 960। और इसके बाद हमने दोबारा गुड सेल की है 720 की, ये रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 720 से। जब सेल्स रिटर्न पे आते हैं तो फॉक्सट्रॉट ने कोई रिटर्न नहीं की, और अब कैश रिसीव हो रहा है कितना? 1680। तो ये अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट क्लोज करते हैं, इसमें देखिए हम दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, तो बैलेंस 0 हो जाए। ठीक है। अच्छा ये तो हमने बना लिया। अब लेजर हम पढ़ के आ रहे थे, लेजर क्यों बनाए? एक्यूरेसी चेक करने के लिए ना। अब हम देखते हैं कि ये एक्यूरेसी किस तरह चेक की जाती है, इसका क्या प्रोसीजर होता है। अच्छा तो ब्लेजर्स की एक्यूरेसी चेक करने का पहला स्टेप ये है कि पहले हम बनाएंगे एक लिस्ट। पहले एक लिस्ट बनेगी जिसमें हम इन तमाम अकाउंट्स के बैलेंसेस को लिस्ट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो पहला अकाउंट था एबल का, एबल का बैलेंस यहाँ लिख लेते हैं 378। उसके बाद ये बेकर का बैलेंस है 1440। उसके बाद चार्ली 96, डेल्टा 153.6। अच्छा एक, अच्छा इन चार के बैलेंस डेबिट थे ना, डेबिट बैलेंस है, और जो इको का बैलेंस था क्रेडिट पर। अच्छा हम चारों का डेबिट बैलेंस इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव में, तब इको का बैलेंस क्रेडिट है तो वो आ जाएगा नेगेटिव। डेबिट 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 हो जाएंगे, क्रेडिट बैलेंस लेस हो जाएगा। अच्छा इन सबका सम कर लेते हैं, पांचों का। ये फर्स्ट फोर ऐड होंगे, लास्ट वाला लेस होगा, और ये हमारे टोटल रिसीवेबल्स आ जाएंगे 2057.85। ये तो इनका इंडिविजुअल का हमने टोटल कर लिया, टोटल रिसीवेबल्स आ गए 2057.85। अच्छा अब हम बनाएंगे कंट्रोल अकाउंट, राइट, और उसको बैलेंस करेंगे। तो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कितना आना चाहिए? यही आना चाहिए 2057, या डिफरेंट होगा? सेम होना चाहिए ना। हमने इंडिविजुअल का बैलेंस निकाल के ऐड किया, या अब आप कंट्रोल अकाउंट बना लें, दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए। तो हम बनाएंगे कंट्रोल अकाउंट और उसको बैलेंस करेंगे। अगर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस लिस्ट के टोटल से मैच हो गया तो उसका मतलब सब ठीक है, और अगर मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब कि कुछ एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं। ठीक, अब हम बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। अच्छा अब इसमें हम कौन सी वैल्यूज लेंगे? पहले सेल्स डे बुक पे चलते हैं, कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड होगी? सेल्स किस अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे आप? कंट्रोल अकाउंट में कौन सी वैल्यूज आती हैं? कौन सी वैल्यू रहेगी टोटल? कौन सा टोटल? हाँ डे बुक से कौन सी वैल्यू लेंगे? टोटल रिसीवेबल में, रिसीवेबल रिसीवेबल की टोटल। टोटल का टोटल। हाँ तो देखें कंट्रोल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? टोटल रिकॉर्ड करते हैं ना, टोटल सेल्स, टोटल परचेज, टोटल रिटर्न्स, टोटल रिसीव्ड, टोटल पेमेंट्स, टोटल रिकॉर्ड करते हैं तो टोटल बैलेंस आ जाता है। अब सेल्स के बुक में क्या करेंगे? टोटल के कॉलम का टोटल कर देंगे। अभी टोटल सेल्स आ गई 6030, तो 6030 से ये अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टोटल सेल्स आ गई। ठीक है, उसके बाद सेल्स रिटर्न
यहाँ टोटल के कॉलम में टोटल कितना है, 264, तो ये टोटल सेल्स रिटर्न हो गई 264, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कैश बुक, अब ये रिसिप्ट का टोटल कर लेते हैं, 3708.15, तो ये आपका रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सेल्स हो गई, सेल्स रिटर्न और रिसिप्ट आ गई, अब अकाउंट क्लोज करते हैं। डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट में से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, तो ये इसका बैलेंस आ गया 2057.85, कैरी डाउन और ये ड्रॉ, और जो कि इक्वल है लिस्ट के टोटल के, लिस्ट का बैलेंस यही था। देखिए मैं दिखा देता हूँ, लिस्ट का टोटल क्या था, 2057, कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है, 2057, तो लिस्ट का टोटल और कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दोनों सेम आ रहे हैं। सेम आने का मतलब लेजर्स हमारे एक्यूरेट हैं, एरर फ्री। तो ये एक प्रोसीजर है एक्यूरेसी चेक करने का, क्या पहले आप एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट का टोटल करेंगे, उसके बाद कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस फाइंड करेंगे, और अगर दोनों बैलेंस सेम आ गए तो इसका मतलब लेजर्स डे बुक्स हमारे एरर फ्री हैं, एक्यूरेट। अच्छा ये तो हो गया प्रोसीजर, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब जो मेन पार्ट है इस टॉपिक का कंट्रोल अकाउंट के, कि अगर लिस्ट का टोटल और कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दोनों इक्वल ना हो, उसका मतलब क्या है, एरर्स मिस्टेक्स है ना, तब उन एरर्स की करेक्शन किस तरह होगी और करेक्ट बैलेंस किस तरह फाइंड किया जाए, ठीक। ये इस टॉपिक का मेन पार्ट, तो पहले ये कॉपी कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इनकी करेक्शन किस तरह होती है। बैक कर दो, उसको कॉपी कर लें। अब आपने रिकॉर्ड स्टार्ट किए, हम पॉज क्यों, हम कॉपी कर रहे थे ना। हाँ अभी तो सही है, सही है, सही है, सही है। पहले ये लिख लें फिर करता हूँ बात। अच्छा ये जरा कॉपी कर लें हम लोग, ये मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में कहाँ यूज होगा, ये ना फ्लो चार्ट एक कॉपी कर लें, क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होगा। मुझे टॉपिक्स की थ्योरी अलग से कोई चैप्टर नहीं है,